हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास से यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन के साथ बेल आइकन से ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन की आपको अपडेट सबसे पहले मिले। शुरू करेंगे आज के 3 सितंबर के करंट अफेयर की वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमें कॉमेंट के द्वारा ज़रूर अवगत कराएँ। आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं या किसी और मैटर की आपको आवश्यकता है तो हमें ज़रूर बतलाएं। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय सरकार ने किसे देश का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो वो किया है डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार को क्या है, भारतीय केंद्र सरकार ने नया रक्षा सचिव नियुक्त किया और ये किया है 21 अगस्त को विशिष्ट IAS अधिकारी अजय कुमार को देश का नया रक्षा सचिव किया है। ये इस पद पर संजय मित्रा का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे संजय मित्रा और ये उनका स्थान लेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2019 को USA की ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन द्वारा दुनिया में अपने सबसे बड़े कैंप्स का उद्घाटन भारत में किस स्थान पर किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद में अमेजोन कंपनी द्वारा अपने सबसे बड़े कैंप्स का उद्घाटन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कैंप्स है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है अमेजोन कंपनी। और ये अमेजोन कंपनी है ये यूएसए की ई कॉमर्स कंपनी है। इसमें लगभग 15,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करेंगे। इस जो जो कैंप्स है हैदराबाद का, इसमें 15,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करेंगे। भारत में अमेजोन के कर्मचारियों की संख्या वर्तमान में भी 62,000 से अधिक है। अब देखेंगे अमेजोन के बारे में कुछ जानकारी कि अमेजोन की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो अमेजोन की स्थापना है वो हुई थी 5 जुलाई 1994 को। और किसने की थी? जेफ बेजोस ने को बेल्यूज में की थी। और ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन यूएसए में। कहाँ पे? वॉशिंगटन यूएसए में, जिसका मुख्यालय है सिएटल वॉशिंगटन। और अल्टिन काउंटिंग वर्जीनिया में इसका जो है मेन मुख्यालय है। फोर्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। इनके पास 131 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। कितनी है? 131 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। अमेजोन कंपनी के MD या CEO बोल सकते हैं उनको, या संस्थापक। उनकी 131 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जो कि सबसे धनी व्यक्ति है 2019 फोर्स इंडिया के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखें 3। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस तिथि तक डिजिटल पेमेंट प्रणाली फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है? तो वो कर दिया 1 दिसंबर 2019 तक। वो किसने किया? नितिन गडकरी ने, जो हमारे सड़क परिवहन राज्य मंत्री है, राजमार्ग मंत्री है सॉरी। तो इन्होंने 1 दिसंबर 2019 के बाद जिन मोटर वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें टोल मूल्य का दुगना चार्ज भुगतान करना होगा। इसके क्या फायदे होंगे? इसके फायदे ये होंगे कि ये एक बिना रुके टुके टोल भुगतान हो सके। फास्टैग, ये जो फास्टैग है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडिफिनिशन आधारित तकनीक है जिसके द्वारा वाहन संचालक डिजिटल माध्यम से बिना रुके टोल भुगतान करेंगे। फास्टैग व्यक्ति के प्रीपेड या सेविंग अकाउंट से संबंधित होगा। इस प्रक्रिया से निर्वैध यातायात को सुनिश्चित करना होगा और इसे भीड़ भाड़ यानी जाम को रोकने में मदद मिलेगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्या 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सुपर 50 पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मनाई गई है सुपर 50 पहल। सुपर 50 पहल है, इसको 22 अगस्त 2019 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई एक पहल है। महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग ने जो फेस एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के इच्छुक युवा आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके साथ ही राज्य के स्मार्ट युवा बुद्धि के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक आवासीय कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। यह 50 सुपर 50 कार्यक्रम राज्य के 50 सबसे मेधावी जो आदिवासी छात्र हैं उनको उल्लेखित करेगा। तत्पश्चात 50 इन मेधावी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम है पटना के आनंद कुमार और उनकी संस्था सुपर 30 की कार्यकर
कार्य से प्रेरित होकर प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम 2 वर्षीय आवासीय कार्यक्रम होगा, जहाँ छात्रों को हॉस्टल और मेस की सुविधा, टैबलेट, एनसीईआरटी किताबों के साथ बेहतर कार्य कैरियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी। इसमें इस कार्यक्रम के लिए जनजातीय विकास विभाग ने केंद्र को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। और ये चयनित जो 50 सुपर होंगे, उनमें से 34 को इंजीनियरिंग, 16 छात्रों को मेडिकल कोर्स के लिए चयनित किया जाएगा इनमें से 50 में से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि हर अपडेट के आपको सबसे पहले जानकारी मिले। हम डेली आपके लिए करंट अफेयर और अन्य जो है सामग्री लेके आते रहते हैं जीके के लिए, तो उनके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। आगे देखें करंट अफेयर के स्टेटस के जीके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, केवला घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा मॉन्ट्रियल में। केनरा बैंक की टैगलाइन क्या है? तो उनकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो है मार्शल बिली गेसल। कौन है? मार्शल बिली गेसल। इंडसाइड बैंक के सीईओ कौन है? तो है रोमेश सोबती। कौन है? रोमेश सोबती है, जो इनसाइड बैंक के सीईओ है। उम्मीद करेंगे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। राजस्थान की प्रवाहतंत्र, नदी प्रवाहतंत्र के जो भी ट्रिक्स हैं वो आपके लिए नीचे वीडियो है, ट्रिकी वीडियो, उसके द्वारा बताई गई। राजस्थान के नदी प्रवाहतंत्र को और उसकी सहायक नदियाँ और उसके प्रवाहतंत्र को उसके द्वारा ट्रिक के द्वारा उल्लेखित किया गया है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगी, वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।